दोस्तों रीवा में किसकी सरकार है यह तय करना मुश्किल है। रीवा में 8 विधायक, 8 भाजपा के हैं, एक सांसद वह भी भाजपा से हैं। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी के बाद गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने बदवार मोड़ पर धरना दिया। नागेंद्र सिंह कहते हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कें हैं जो काफ़ी खस्ता हाल में हैं। सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार तो अभी 6 माह पहले आई है, जिसमें लगभग 3 माह चुनाव आचार संहिता ने ले लिए, तो यह सड़कें शिवराज सरकार के समय का सच उजागर करने के लिए पर्याप्त हैं? मगर कांग्रेसी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाते। अब तो कांग्रेसी सरकार होने की भूमिका भी लगता है भूल गए हैं। नागेंद्र सिंह ने कहा रीवा जिले की दूसरी बड़ी समस्या बेरोजगारी है। फिर वही सवाल, बेरोजगारी क्या इन्हीं 6 माहों में बढ़ी है या शिवराज के समय से है? सच बोलने के लिए विधायक नागेंद्र सिंह को कांग्रेस सरकार द्वारा धन्यवाद दिया जाना चाहिए। नागेंद्र सिंह ने कहा कि बीते 3 वर्षों में वह खस्ता हाल सड़कों और बेरोजगारी की जानकारी जुटा रहे हैं। न शिवराज सरकार ने यह जानकारी दी और न ही कमलनाथ सरकार यह जानकारी दे रही है। आज के धरने को सांकेतिक धरना कहते हुए आगे फैक्ट्रियों के अंदर धरना देने की बात धमकी भरे लहजे में विधायक नागेंद्र सिंह ने कही। 15 सालों की सत्ता के बाद विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए यह भाजपा से सीखना होगा। इस धरने के दौरान भाषण में किसी नेता ने मंच से कहा कि प्रदेश में भले कांग्रेस के कमलनाथ की सरकार है, मगर रीवा में भाजपा की सरकार है, 8 विधायक और 1 सांसद भाजपा से है। आखिर रीवा की सरकार का सच सबको जानना चाहिए। कांग्रेस की जब दिग्विजय सिंह सरकार थी तो रीवा की सरकार दादा श्रीनिवास तिवारी अलग से चलाते थे। अब जब प्रदेश में कमलनाथ सरकार आई है तो रीवा की सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कि 8 विधायक और 1 सांसद सब भाजपा से हैं, इसलिए रीवा की सरकार भाजपा चलाएगी। मैं रम्मू सिंह। मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।